फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं सत्यम, स्वागत करता हूं आप सभी का मोस्ट एनआईसीटी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी बात करेंगे कि हम किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम आज आपको वीडियो में बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इजीली स्टेप्स बताएंगे दोस्तों हम आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप भी बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत ही आसानी से चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बाइनरी नंबर कन्वर्ट इंटू हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल के नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हेक्साडेसिमल और बाइनरी दोनों का हम डिजिट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी का ले लेते हैं। यहाँ हम बाइनरी का डिजिट को लेते हैं, तो बाइनरी का डिजिट हमारा 0 और 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसका बेस 2 होता है। तो हमने बाइनरी का डिजिट ले लिया। अभी हम हेक्साडेसिमल का लेंगे, हेक्साडेसिमल। अब इसका हम क्या लेंगे, 0 से लेकर 9 तक होता है। पहले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिक स्टार्ट हो जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ, एफ तक होता है। टोटल इसकी जो डिजिट होती है वो टोटल 16 होती है, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। किसका? हेक्साडेसिमल का। तो हमने बाइनरी और हेक्साडेसिमल दोनों को हमने ले लिया हुआ है। अभी हम कन्वर्ट करेंगे कि हम बाइनरी नंबर को कैसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर में आप देखिए, यहाँ पे 0 और 1 है, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी कोई डिजिट नहीं है, केवल और 0 और 1 है, इसी पे हम वर्क करते हैं। तो चलिए हम एक छोटी सी गिनती लेते हैं, एक छोटा सा डिजिट लेंगे बाइनरी का और उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं इसमें 11100। देखिए ये 0101 ही है केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 11100 हमने ले लिया। हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को निकालना है, हेक्साडेसिमल का। इसका मैं 16 होता है, जिससे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर को, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करते समय हमें राइट साइड से इन सभी बाइनरी नंबर का जोड़ा बनाना होता है, 4-4 का जोड़ा बनाना होता है, और राइट साइड से। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं, सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं हम राइट से, 1, 2, 3, 4, यानी हम दाएं साइड की जो डबल जीरो है और दाएं साइड की डबल वन को हम एक जोड़ा बना लेते हैं ऐसे करके। अभी देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 11 है, अभी हमें 2 की जरूरत है, तो हम 2 क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से हम चाहे तो इसके इधर राइट साइड ना होकर के लेफ्ट साइड में हम चाहे तो 0 को ले सकते हैं। तो यहाँ हम 00 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जोड़ा बन सके। तो चलिए हमें आपने जोड़ा बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर देते हैं। तो जैसे हमने पावर 0, 1, 2 ऐसे करके दिया था, अभी हम 0 इस पे भी पावर देते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे पावर देते हैं, जो 0 है इसको 0, 1, 2, 3। अब इस पे भी देंगे 0, 1, 2, 3, ये पावर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को, यानी सबसे पहला ये है हमारा, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम दाएं साइड से अंक को लेना स्टार्ट करते हैं, और सबका हम पूरा 2 बार करेंगे, जितने भी हमारे अंक होते हैं सभी का 2 बार हमको करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 × 2 पावर 0 इस पर लगाते हैं, उसके बाद फिर 1 लेते हैं, 1 × 2 पावर 1 इस पर 2, फिर 0 लेंगे, 0 × 2 पावर 2 इस पर 2, उसके बाद फिर लेंगे 0 × 2 पावर 3 इस पर 2। अब यहाँ पे हमने सारी गिनतियों को ले लिया, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 0 का मान आता है, 0 का मान यहाँ पे आएगा 2 के पास में, तो 1 हो जाता है, मैंने आपको बताया था जब हम पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, अभी 1 आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 का क्या होता है, 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं।
उसके बाद में यहाँ दो है, दो का पावर एक लगा हुआ है, जिसका मतलब दो का एक ही बार जाएगा, तो दो एक कम दो होगा। उसके बाद गुणा भी करेंगे तो दो एक कम दो ही होगा, यहाँ दो लिख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए दो का पावर दो लगा हुआ है, तो दो दूना चार तो हो जाएगा, लेकिन जब जीरो से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, जब हम दो का तीन बार करते हैं तो दो दूना चार, दो दूना चार, चार दूना आठ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आठ तो आया बट जीरो से गुणा जब भी हम करेंगे दो का तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। अगर हमने थ्री ले लिया, यानी जो डबल वन डबल जीरो का जो आया वो मान ये थ्री आया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं, दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट वाला है, यहाँ पे देखिए इसको हमने यहाँ लिया। अब हम इसको सेकंड वाले को यहाँ पे सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक स्टार्ट किए थे, यहाँ एक था, अभी जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो इंटू टू पावर जीरो इक्वल टू वन, सॉरी जीरो इंटू टू पावर वन इक्वल टू, अब यहाँ पे वन आया, वन इंटू टू पावर टू इक्वल टू वन इंटू टू पावर थ्री इक्वल टू। अभी हम क्या करेंगे, अब इनका भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। जीरो का पावर जब दो के पास आएगा तो एक होगा, अगर एक का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वही हाँ यहाँ पे भी है कि अगर दो से हम एक का करते हैं, पावर लगाया यहाँ पे, तो दो एक कम दो होगा, लेकिन दो एक कम दो होने के बाद यहाँ पे जब हम जीरो से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जीरो देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया दो बार, तो दो बार हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए दो से दो करेंगे, दो दुना कितना होता है, चार होता है, तो चार का चार के चार, यहाँ पे तो हम चार लिख देते हैं। फिर यहाँ दो है, दो का पावर तीन लगा, इसका मतलब दो को तीन बार करना है, दो दुना चार दुना आठ, आठ का गुणा एक से करेंगे तो आठ एकम आठ होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आठ प्लस चार, जीरो को छोड़ देंगे, यहाँ पे भी जीरो को हमने काउंट नहीं किया। अब यहाँ पे आठ प्लस चार करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार प्लस आठ करते हैं, तो इक्वल टू कितना होता है, बारह। तो हम दोनों को यानी पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ते हैं, पहला हमारा थ्री है, ध्यान से देखिएगा थ्री है और उसके बाद बारह है। अब इसको हेक्साडेसिमल यानी 312 ये हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में क्या लिखा गया है, वह जीरो वन टू थ्री, थ्री की जगह पे थ्री ही लिखना है, थ्री की जगह पे थ्री लिखेंगे हम। अब आया यहाँ पे बारह, तो बारह की जगह पे आठ नौ के बाद हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं, लेटर शुरू होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी अल्फाबेट को हम रखना है, तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे नौ के बाद ए का क्या माना जाता है, दस माना जाता है, और बी को ग्यारह माना जाता है, सी को बारह माना जाता है, तो यहाँ सी को हम क्या रखेंगे, सी को बारह माना जाएगा, डी को तेरह, उसके बाद चौदह, उसके बाद पंद्रह, जीरो को क्या माना जाता है, एक मान लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा आया है नौ के बाद दस ग्यारह बारह, यानी थ्री सी होगा, क्या होगा, थ्री सी होगा, क्योंकि सी की जगह पे क्या है, बारह है, नौ की जगह पे दस, बी की जगह पे ग्यारह और सी की जगह पे बारह, तो यहाँ क्या होगा, थ्री सी। ये हमारा हेक्साडेसिमल, इसका बेस 16 है और ये अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों में होता है। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल के जितने भी डिजिट हैं 16 अंकों तक, जीरो से लेकर के एफ तक के, ये सारे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के नंबर्स को, जो बाइनरी नंबर्स हैं हमारे, उनकी हम हेक्साडेसिमल को निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक उसको शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।